नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, जहां पर टिकट वितरण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी माथापच्ची कर रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी वसुंधरा राजे सिंधिया को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर से चुनाव में जीत हासिल होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में अब झालावाड़ 12 सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट तो जरूर दे दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका सियासी भविष्य कहां जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को उम्मीद थी कि केंद्र में तमाम जो मंत्रालय खाली हुए हैं, जिसमें राजस्थान से भी कई मंत्रियों ने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी वसुंधरा राजे सिंधिया को कुछ भी हाथ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगला कदम क्या उठाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान में एक जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, पूर्व यहाँ पर सांसद चूरू से पूर्व सांसद राहुल कांसवा का टिकट काट दिया गया था और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बता दें आपको कि राहुल कांसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं, और ऐसे में भाजपा ने जैसे ही उनका टिकट काटा, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में ये साफ तौर पर कहा कि एक आदमी ये निर्धारित नहीं करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, चूरू की जनता मुझे अपना प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहती है और ऐसे में मैं चूरू के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय स्थित यहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और यहां कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली। ऐसे में अब भाजपा घिरती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार यदि और भी कई यहाँ पर नेता पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।